मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात ने यूपी में बुलडोजर एक्शन के बहाने योगी सरकार पर हमला बोला है। मौलाना ने आरोप लगाया कि योगी सरकार मुसलमानों से बदला ले रही है, जहां मुस्लिम आबादी है उसे अवैध बताकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मौलाना ने सीएम योगी को अवैध चीफ मिनिस्टर तक बता दिया है। दरअसल एक बातचीत के दौरान लखनऊ के मौलाना कौसर हयात ने कहा, योगी सरकार मुस्लिमों से एक तरफा खुली दुश्मनी कर रही है, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए कायदे में, लेकिन आज ये चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, अवैध चीफ मिनिस्टर हैं ये तो खुल्लम खुल्ला जुल्म है। आप लोगों को लूट रहे हैं, भाजपा के लोग पूरे देश को लूट रहे हैं। गौरतलब है कि लखनऊ के अकबर नगर में इन दिनों बुलडोजर एक्शन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यहां अवैध रूप से बसे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। इन लोगों को दूसरी जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दिए गए हैं। दरअसल AIIM नेता असुद्दीन ओबीसी भी लगातार इस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। अब मौलाना कौसर हयात ने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर तगड़ा वार किया है।